And which place? Any other place but Bengali item हम। Welcome back to our new video। तो guys आज है 4 अगस्त। तो आज मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट आज है 4 अगस्त आज मैं अपना वीडियो स्टार्ट करूँ। क्या हुआ लिखा? क्या हुआ? ठीक है, तुम लोग चिल्लाना दसो। सरप्राइज बर्थडे केक लेके, तो चलिए आज है 4 अगस्त और आज है मेरा बर्थडे। तो ये देखिए, ये लोग ने मुझे सरप्राइज दिया, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था। ये लोग मेरे लिए केक लेके आए, थैंक यू सो मच। तो चलिए अभी केक काटते हैं हम लोग फ्रेंड। यहाँ पे मैं केक काट रही हूँ। मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है वो मेरे लिए केक लेके आई है, तो मेरी बेस्टी है। और बहुत 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 मतलब मैंने अपना बर्थडे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया और ये दोनों को देख सकते हैं। तो हर दोस्त कमीना होता है, तो फ्रेंड आपने सुना होगा, तो ये दोनों मेरी कमीनी वाली फ्रेंड है। तो ये दोनों देखिए मेरे चेहरे पे केक किस तरह से मल रही है, जैसे लग रहा है कि फाउंडेशन या कोई बीबी क्रीम या लैक्मे क्रीम मल रही है, उस तरह से मेरे चेहरे पे इन दोनों ने मेरे पूरा क्रीम लगा दिया है। तो गाइस हर एक दोस्त कमीना होता है, वो जो कमीना वाला दोस्त होता है वो बहुत 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 खास होता है गाइस। तो ये दोनों मेरे वही वाले फ्रेंड हैं, तो बहुत 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 खास वाले। तो फ्रेंड देख सकते हैं, तो मैंने अपना बर्थडे बहुत अच्छी तरह से सेलिब्रेट किया है। गाइस अभी आई थी मम्मी लोग की फ्रेंड और मम्मी ने काटा अपना दूसरा केक बर्थडे का, और अभी हम लोग जाएंगे लंच करने बाहर। सो गाइज प्लान तो कुछ नहीं था ऐसा लंच करने का, पर सब बच्चे लोग का बहुत मन है कि बाहर चले कुछ खाने के लिए, तो मैं उनका दिल कैसे तोड़ सकती हूँ। तो मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा उन्हें ना बोलने में, तो इसीलिए हम लोग जा रहे हैं आज बाहर। मतलब हमेशा तो डिनर पे जाते थे, डिनर पे ही कुछ खाते थे, पर आज सोचे कि लंच बाहर जाया जाए, आज कुछ बंगाली मतलब बंगाली फूड खाया जाए। तो बंगाली थाली मुझे बहुत पसंद है एक्चुअली, तो बहुत अच्छा लगता है। तो आज हम लोग सोच रहे हैं कुछ बंगाली फूड हम लोग खाएंगे। ये देखो गाइस मम्मी को ये गिफ्ट किया। हाँ तो ये है मेरा गिफ्ट, और रात का जो क्लिप है गाइस मैं आपको लगा दूंगी। थोड़ा सा मैंने क्लिप यही सूट की थी, मुझे तो पता भी नहीं था, मैं तो सो गई थी, तो इसने क्लिप शूट किया था रात में 12 बजे। इन लोग ने सबने मेरा। सो फ्रेंड ये क्लिप रात 12 बजे की है, जैसे कि मैंने बोला, और रात को 12 बजे नीरजा जी मेरे लिए सरप्राइज केक लाए थे। वो फर्स्ट टाइम वो केक नहीं लाए, मतलब जब से हमारी शादी हुई है तब से वो मुझे 12 बजे रात में सरप्राइज केक करवाते हैं बर्थडे के लिए। और इस टाइम भी उसने मुझे सरप्राइज केक काटा था, उसी की क्लिप पर फ्रेंड बर्थडे केक काटा था। और अभी आपने क्योंकि डुगू सो रहा था, तो और अभी मैंने मेरी फ्रेंड लोग आई थी तो मैंने सेकेंड केक काटा अभी। तो अभी चलेंगे गाइस हम लोग थोड़ी देर में लंच करने के लिए रेस्टोरेंट। आता भी है फ्रेंड, हम लोग यहाँ पे निकल चुके हैं लंच करने के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं सभी को है, हम लोग है भाई है मेरा, अमायरा है, भाभी है, और यहाँ पे हम लोग चारों को हैं। तो हम लोग दो गाड़ी में आराम से आ जाते हैं गाइस सब फैमिली। तो यहाँ पे निर्भय जी स्कूटी चला रहे हैं और कृतिका आगे बैठी हुई है एज यूजल, और दुख अपने मामा के साथ आ रहा। तो यहाँ पे हम लोग निकल चुके हैं लंच करने के लिए, और यहाँ पे मैंने बोला था ना गाइस कि बंगाली फूड खाएंगे, तो बंगाली ही खाना खाने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि दोपहर में ही बंगाली खाना खाने का असली मज़ा आता है। क्योंकि चल रहा है अभी सावन, तो हम लोग नॉनवेज कुछ खाएँगे नहीं, प्योर वेज ही खाएँगे, और वेज में भी हम लोग बंगाली खाना खाएँगे। तो आप लोग सोचते होंगे गाइस बंगाली और खाना और वेज में खाना पॉसिबल नहीं है, तो फिर भी मेरा तो मन कर रहा था कि वेज में ही हम लोग बंगाली खाना खाएं। तो उसके लिए एक हम लोग मतलब ज़्यादा हाई फाई रेस्टोरेंट नहीं है, छोटा सा ही है ढाबा टाइप का। तो इसका खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है गाइस, हमें जब भी बंगाली ऐसा कुछ खाने का मन करता है तो हम इनके रेस्टोरेंट में। सो फ्रेंड यहाँ पे हम
लोग सब बैठ चुके हैं, तो देख सकते हैं गाइस रेस्टोरेंट में काफ़ी भीड़ भाड़ है और यहाँ पे बंगाली फूड बहुत टेस्टी मिलता है। तो खाने में क्या क्या है वो हम आप लोगों को बता देते हैं। चलिए, तो यहाँ पे पहले आके आलू चिड़चिड़ी भाजा, जिसमें है प्याज, नींबू, लौंगा, मिर्चा। उसके बाद आया है सादा भात और यहाँ पे दो किस्म की सब्जी दी हुई है, एक है बंदा गोभी की सब्ज़ी और एक है ओल आलू की मिक्स सब्जी बैगन वैगन डाल के। तो ये दो किस्म की सब्जी है, भात है, दाल है और गाइस चिड़चिड़ा भाजा, खीरा, प्याज, नींबू, मिर्चा, तो ये सब है। तो और क्या चाहिए गाइस, और मुझे बोलते हुए मुँह में पानी आ रहा है। और यहाँ पे मैंने अपना फर्स्ट बाइट खाना स्टार्ट कर दिया क्योंकि मुझे सबर नहीं हो रहा था आलू चिड़चिड़ा भाजा के साथ खाने में, बहुत हेल्दी लगता है खाना। गाइस खाते खाते शूट करना एकदम पॉसिबल नहीं होता है और यहाँ पे कोई मेरी हेल्प करने पे रेडी नहीं है, सब अपने खाने पर लगे हुए हैं। तो मैं एक हाथ से खा रही हूँ, एक हाथ से शूट कर रही हूँ, तो पॉसिबल नहीं हो पाता। इसके साथ हमें दिया गया है पापड़ और आम की चटनी, जो बंगाली खाने की एकदम फेवरेट होता है, और हमें आलू गोश्त भी मिली थी। सो ये सब है हमारा आज का खाना। खाने के बाद हम लोग आ चुके हैं आइसक्रीम खाने के लिए। खाने के बाद तो मीठा कुछ बनता है गाइस, जो लोग जहाँ हो वहाँ आइसक्रीम ना, ऐसा हो नहीं सकता। तो सब ने अपने अपनी पसंद की आइसक्रीम खरीद ली, मायरा ने भी अपनी पसंद की आइसक्रीम खरीदी, कितनी का सभी ने खाया। मुझे आइसक्रीम कुछ खास पसंद नहीं है तो मैंने आइसक्रीम नहीं खाई और सब ने आइसक्रीम ले ली। और सब ये बहुत इंजॉय कर रहे हैं आइसक्रीम खा के। और कृतिका का आइसक्रीम यहाँ पे थोड़ा सा पिघल, सॉरी गाइस मायरा का आइसक्रीम थोड़ा यहाँ पे पिघल रहा था। अभी हो चुकी है रात और पूरा दिन ख़त्म हो चुका है। हम लोग बहुत इन्जॉय किए हैं, बहुत सारा गिफ्ट्स मिला, बहुत सारा गिफ्ट मिला और भी बहुत कुछ हुआ है। और रात हो चुकी है, सबको सोएंगे, कल वापस रेगुलर काम, स्कूल।